সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়তে গৌরী গোষ্ঠীপতি বন্দে গুরুপদ দণ্ডম ভক্তবিন্দ সমন্নিতম শ্রী চৈতন্য প্রভু বন্দিনীত আনন্দ সহোদিতম से सी नन्दनन्दनं वन्दिराधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावलं मनोहरं वाञ्छा कल्पतरुवश्च कृपासेन्दुपतितानं पावने भविष्णविभ्यो नमो नमः मुखं करोति वाचालङ् पङ्गु लङ् हैतगिरिं यत् कि पातमहंग वंदी परमां आनन्द माधवं ब्रन्दा वही केशव भक्ति भजे देवी सत्व नमो नमः नारायणो नमस्कृत नरोन् जय नरोत्तमं सरस्वती व्यसं ततो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी यो पत्रों से प्रकाशों गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगों द्वरुद्धन धैयम् सदा परिभावक्न अभिस्तुद्धुहम् तेथास बदम सिवा विरंचनुतम् सरन्यम

श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनेता ननंद श्रीअदय तदाधर शिव सदी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनेंद श्रीआदय ददाधर शिव सदि बिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण

विषाम बरु रिज बरु जुगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा भतारू हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे अजानलम्बितभुजौ कनका बतु कमलायताक्ष कमलायताक्षौ विशाम्बरुधिजवरु युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरु करुणावतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकज सुरासुरैर्वंद भुक्ति मुक्ति तदासी ुपे सदा नरण गंगा तरंगरमणीय जटाकलाप गौरीर विभूषी तवाम भागम नारायण प्रियमदापहारम वरा नसीपुरपति भजवीशनाथम जुस्वदने लक्ष्मीजस्सी यस् हृदय संविद म भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम

श्री शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामीर भोपाल परम से जगत गुरु जी ने बताए श्रीमान महाप्रभु हम लोगों का ऊपर आदेश किया ये तिनका से भी ज़्यादा विनम्र होकर और वृक्षों से भी ज़्यादा सहनशील होकर भगवान का गुण कीर्तन करना चाहिए हर वक़्त कंटिन्यूअस गौरी गोष्ठी पोती भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती के समीप हो पाए परम हंस जगत गुरु जी ने बताए एक का से भी ज्यादा विनम्र होकर वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु होकर भगवान का नाम गुण कीर्तन हर वगत करना चाहिए एक तिनका से भी ज्यादा विनम्र होना चाहिए ये तिनका ये तिनका का जो छाटने का बाद जितना है उससे भी विनम्र होना चाहिए तब आगे चलकर भगवान का कथा कीर्तन हमारा हृदय में अवतीर्ण हो सकता है मतलब कीर्तन हरी कथा का, का यही है अल्टीमेट क्वालिटी क्वालिफिकेशन शिला पोहपाद अपना भक्तों लोगों को विदेश में प्रचार के लिए भेजने का पहले कुछ प्रवचन दिए कुछ प्रार्थना किए शिलापाध जी ने अपना कोई गौड़ीय भक्तों को विदेश में प्रचार के लिए भेजने का पहले कुछ विशेष प्रवचन दिए प्रवचन के द्वारा प्रोपाध जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु का विशेष शिक्षा इन लोगों का हृदय में संचारित करने का प्रयास प्रचेष्टा किया विदेश भेजने का पहले प्रोपात ने प्रवचन दिया प्रवचन में प्रभपात बोलना शुरू कर दिया हे हमारा बंधुगण प्रभपात अपना शिष्यों को बंधु बोलते थे दोस्त आप लोग विदेश प्रचार जा रहे हो यूरोपियन कंट्री में अमेरिकन कंट्री में प्रचार में जा रहे हो लेकिन सावधान होके जाना वहाँ का आदमी टेक्निकल लेवल से ये सब विषय में बहुत एडवांस है और उस जगह जाने का बात ये भी हो सकता है कि ये लोग सुनने के लिए इच्छा ही नहीं प्रकट करें ऐसा भी हो सकता है ये लोग ये सब कथा सुनने का वो इंटरेस्ट नहीं दिखाया विदेशी विदेशी लोग आपको सम्मान नहीं दिया हो सकता है आपको सम्मान नहीं देगा ये भी हो सकता है आपको सम्मान नहीं देगा अगर ये भी हो सकता है आपको ज्यादा इज्जत दे दिया माला दे दिया रुपया पैसा इज्जत दे दिया अगर सम्मान ना दे इसी में भी दुखी नहीं होना और बहुत सारे इज्जत सम्मान दे दिया इसी में इसी में अभिमान का साथ जोड़ना नहीं अर्थात अभिमान आप लोगों का हृदय में आ आना जरूरी नहीं एक तिनका से भी सहैष्णु संपन्न होकर और एक वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील होकर तिनका से भी विनम्र होकर जैसे एक तिनका को ऊपर पैर रख के चलो कुचल के चले जाओ तो कुछ नहीं बोले ऐसा भी मनोभाव होकर श्री चैतन्य महाप्रभु का तिनाद विस्वनिचि तरुण विसहिष्णुना अमनो मानदिनो कीर्तन्यो सदाहरी ये श्लोकों का ध्यान रखते हुए विदेश में प्रचार करना हो सके कि ये लोग आपको इज्जत नहीं देगा सम्मान नहीं देगा इसमें दुखी नहीं होना अब ये भी हो सकता है कि किसी जगह आप बड़ा इज्जत दे दिया पैसा रुपया पैसा सम्मान दे दिया इसमें इसमें अभिमान से अभिमान से आप अभिमान से आप स्फित हो जाओगे फूल जाओगे ये भी ठीक नहीं है हरिकर्तन हरि कथा का ये हरिक हरिकाथा करने के लिए श्रीम महाप्रभु जी ने यही हमारा सामने गुनावली बताया ये सब गुनावली रहने से तभी आगे चलकर भगवान का गुणकीर्तन हो सकता है किसी को शिक्षा देने के लिए अपना अंदर में आचरण होना चाहिए किसी को शिक्षा देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा देने के लिए किसी को श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा देने के लिए हमारा अंदर में चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा भरपूर होनी चाहिए मैं मतलब मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का आचार आदर्श आचरण शिक्षा में अगर परिपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित हूँ तो आगे चल के दूसरों को भी दे सकता है महाप्रभु अवतीर्ण होने का बाद कृष्णदास कोविराज गोस्वामी जी ने लिखा है चैतन्य चौथाम में आपनी आचारी धर्मो लोकेरे सिखाए अपनी आचारी धर्मो लोकेरे सिखाए अपनी ना आचार्य धर्मो सिखानो न जाए जब अपना जिंदगी में अगर यह आचरण या, या आदर्श शिक्षा गोहन नहीं कर पाया तो दूसरे को सिखाना संभव नहीं है इसीलिए भगवान इच्छा करके संन्यास बेश ग्रहण कर कर भक्तों का बेश बनाकर जगतवासियों को कृष्णोप्राप्ति कैस कैसे किया जाए प्राप्ति कैसे किया जाए क्या तरीका है ये सिखाने के लिए उन्होंने ऐसा भाव लेके भक्तों का बेस लेके के संन्यास लेकर जगतवासी को सिखाया न मानो दिनों कृत्यन किसी को सम्मान नहीं देने से किसी को सम्मान नहीं देने से भगवान का ये जो प्रचार है शिक्षा है इसमें सुविधा नहीं होगा पोपात कभी कभी कहते थे ये लोग मेटीरियल है ये लोगों को अगर ज़्यादा सम्मान प्रतिष्ठा नहीं दिया जाए ये लोग हमारा गौरांग महाप्रभु का प्रचार के लिए सहयोग नहीं करेगा एक्सटर्नली पहुपात बहुत सारे आदमी को सम्मान देते थे बहुत बड़े प्रोफेसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाइस रॉय ऑफ इंडिया लाट साहब बहुत इसको सम्मान देते थे इच्छा करके पोपात पर्पजली एलो को सम्मान देते थे इसमें क्या होगा गौरंग महाप्रभु गौरंग महाप्रभु का प्रचार का सुविधा हो सकता है इसीलिए महाप्रभु हमारा पहुपात दूसरे को सम्मान देते थे जब कोई असेंबली होता था फंक्शन इसमें बाहर का भरे भरे इज्जतदार आदमी को बुलाया 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 करते थे हाईकोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट का जज या तो कोई बड़े इज्जतदार आदमी साइंटिस्ट सबको को बुला के सभा में लाते थे अगर आप सोचो किस लिए लोगों को बुलाते थे क्या कारण है ये लोगों को क्यों बुलाते थे पोपात का एक टेक्निक था पोपात जानते थे अगर इम्पोर्टेंट आदमी गौरंग महाप्रभु का इस सभा में आए हम लोगों का प्रवोचन सुने बड़े बड़े इज्जतदार आदमी आए जब भी ये लोगों का कोई वैल्यू नहीं है जब भी ये लोगों का कोई वैल्यू नहीं है फिर भी बुलाए एज ए चेयरमैन और कुछ भी बड़े बड़े सभा, बड़े बड़े का पोजीशन देने के लिए बुलाते थे इसमें क्या होता था इसमें क्या होता समाज का आम आदमी जो ऑर्डनरी आदमी है का पर थोड़ा असर पड़ता था इफ़ेक्ट पड़ता था ये इतना इम्पोर्टेंट आदमी आए हैं चलो हम भी चले ऐसा करके वो लोग भी सभा का ऊपर थोड़ा नज़र उठा के देखने का प्रयत्न करते थे ये प्रहुपात का एक टेक्निक है प्रहुपात ये सब बड़े बड़े आदमी को बुलाकर कर गौरंग वहाँ पर असेंबली में बैठा कर इसको सम्मान दिया करते थे अब बोलो सभापति का भाषण इसके बाद प्रभुपाद और हमारा गुरुवर्गो बड़े इज्जत के साथ सुंदर गौरंग महापु का शिक्षा का बारे में अपने गौरंग महापु का रिप्रेजेंटेटिव होकर ये सब कथा कीर्तन करते थे इसमें क्या होता था इसमें आम आदमी के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता था इसमें प्रचार का सुविधा होता था इसीलिए प्रभुपात कहते थे गौरंग महाप्रभु का गौरंग महाप्रभु का प्रचार के लिए अगर हमको किसी भी स्टेज में उतार आना पड़े तो मैं राजी हूँ आई कैन कम डाउन टू एनी लेवल फॉर द एक्चुअल प्रीचिंग ऑफ चैतन्य नवानी एक्सटर्नली आई कैन शो ऑनर टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और हाई कोर्ट जज दैट इज एपरेंट क्योंकि ये लोग इज्जत चाहता है और समाज का आदमी अगर देखे बड़े बड़े इज्जतदार आदमी सभा में आया है तो दे कैन पे अटेंशन समाज में ऐसा ही नियम है बड़े बड़े आदमी इज्जतदार आदमी जहां आते हैं आम आदमी भी उसमें थोड़ा अटेंशन देते हैं नियम है जो भी है हम लोग चैतन्य चौरता का चर्चा करते हुए काल यहाँ तक आए थे चैतन्य महाप्रभु का ये तत्व का बारे में सिर्फ चैतन्य महाप्रभु कौन है जैसे ब्र, जैसे ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण बताए ब्रह्मा अपना चार मस्तक चार माथा मस्तक लेकर भी आप अगर इकट्ठा करो आपका पूरा एनर्जी पावर पावर मनी पावर आप मेरे को जान नहीं पाओगे इसलिए मैं आपको ये दिव्य ज्ञान देने जा रहा हूँ आप ग्रहण करो एक्सेप्ट करो ऐसा काल चर्चा करते हुए हमने बताया जो सूरज और चंद्रमा आसमान का जो सूरज अथवा शानगॉड और चंद्रमा मुनगौड़ जो है ये दुनिया का अंधेरा दुनिया में फैले हुए जो अंधेरा है डार्कनेस है ये डार्कनेस को मिटा सकता है सूरज भगवान आसमान में आए तो जगत का सारे अंधेरा मिट जाए लेकिन सूरज और चंद्रमा हमारा हृदय का अंदर में जो अंधेरा है इसको काट नहीं सकता हमारा हृदय का अंदर में जो अंधेरा है अज्ञान ज्ञानांजन और स्वाक्ष्य चक्षुर जिनो तस्में सुगुर हो बैनो हमारा हृदय का अंदर में ये हृदय को ये जो हृदय है हृदय को एक गुफा का साथ तुलना किया दिस हार्ट कैन बी कंपेयर्ड विथ ए केव इनसाइड वी लाइन स्टाइंग और बीक स्नैक कैन स्टे ऑल ओवर डार्टी थिंग्स और बिग बिग स्नैक एवरीथिंग्स टै इन दिस सो ये अंधेरा को कटाने के लिए जो अंधेरा है सूरज और चंद्रमा जगत का अंधेरा मिटा सकता है लेकिन सूरज और चंद्रमा जो है लेकिन सूरज और चंद्रमा जो है एक कभी हमारा हृदय का अंधकार हटा नहीं सकता सूरज चंद्रमा सूरज और चंद्रमा जगत का अंधेरा हटा सकता है लेकिन ये सूरज चंद्रमा हमारा हृदय का अंधेरा कटा नहीं सकता हृदय का अंधेरा कटाने के लिए सद्गुरु का चरण में आश्रय लेना जरूरी है गुरुदेव कृपा करके दिव्य ज्ञान देकर हमारा हृदय का जो अंधेरा है इसको कटा सकता है ठीक ऐसा मापिक गौरांग महाप्रभु और नित्यानंदो को सूरज भगवान और चंद्रमा का साथ तुलना किया गया सूरज चंद्र हरे जोईछे जोईछ मैंने जैसा लाइक सूरज और चंद्रमा जैसे जगत का अंधकार नाश करके কা বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্মের প্রচার ঠিক এসা গৌরাঙ্গ আর নিত্যানন্দ প্রভু দুই ভাই দুই ভাই মিন ভাই ব্রাদার এ দুই ভাই জীবের অজ্ঞান তমনাশ করি করে বস্তু জ্ঞান গৌরাঙ্গ আর নিত্যানন্দ প্রভু এ দোনো জীবক तमाम बद्ध जीवों के ऊपर दया प्रकाश करके ये दोनों गौरांग और नित्यानंद प्रभु जीवों का ऊपर अपार करुणा प्रकाश करके जीवों का अंदर में जो अज्ञान है जो तमोगुण है ये सब नाश करके तत्व वस्तु का ज्ञान प्रकाश करना चाह जब तक तत्व वस्तु ज्ञान हमारे हृदय में ना आए जब तक तत्व वस्तु का ज्ञान जब तक तत्व वस्तु का ज्ञान हमारा हृदय में प्रकाशित ना हो जाए सम शॉर्ट ऑफ हियर मस्ट तत्व तत्वज्ञान होने का बाद ही आई कैन बिकम रेस्टलेस तत्वज्ञान होने का भाव ही हम हमारा भजन में रिजिडिटी प्राप्त कर सकता पूर्ण विश्वास पूर्ण आस्था फुल कॉन्फिडेंस ग्रोस कर सकता जब तक तत्वज्ञान ना होए, तब तक जिस किसी भी गुरु का पास चाहे भक्ति बोलो तो को कोई भी गुरु का पास दीक्षा ले कुछ होने वाला नहीं जब तक आपका अंदर में तत्वज्ञान का प्रकाश ना हो जाए तब तक देयर इज नो सल्यूशन some sort of fear must be there. अपने को समझना है हु है माई ये समझना जरूरी है भगवान कौन है माया कौन है माया का साथ भगवान का क्या रिश्ता है रिलेशन क्या है ये जगत का साथ मेरा क्या रिश्ता है क्यों मैं जगत में हूँ सराउंडिंग ये जो सरकमटैंस है इसका साथ मेरा क्या रिलेशन है क्यों मैं इतना कष्ट प्राप्त कर रहा हूं ये सनातन गुस्सा में पूछा है ये दिव्य ज्ञान अर्थात गुरु जी कृपा करके जब हमको दीक्षा और शिक्षा देते हैं तब हमारा अंदर से अज्ञान अंधेरा अज्ञान तमो सब हट जाता हृदय जब आलोकित हो जाता है जब हमारा हृदय जब हमारा हृदय शुद्ध सतगुण से आलोकित हो जाता है जब हमारा हृदय शुद्ध सतगुण से इल्यूमिनेटेड हो जाता है ब्राइट टोटली totally. जब हमारा हृदय जब हमारा हृदय शुद्ध सतगुण से इल्यूमिनेटेड हो जा ब्राइट हो जाता है उस समय एक चमत्कार एक्सेलेंट चीज होता है कुछ अनुभव होने लगता है देन आई स्टार्ट रियलाइजिंग समथिंग तब कुछ अनुभव होने लगता है और हमारा रसामृतु सिंधु में लिखा है हमारा रूपों को सही बात हृदय जले वारम शब्दी सौरसो मतः मैंने पहले भी बहुत बार बताया विदाउट रस जगत का कोई स्टेबिलिटी नहीं है रस मस्वी दिया अगर रस नहीं है तो कुछ नहीं है जगत में अगर रस नहीं है तो कुछ नहीं है एक मस्क्यूटो है ये भी मच्छर वो भी रस का पीछे दौड़ रहा है हर प्राणी रस नहीं है तो जगत का स्टेबिलिटी नहीं होगा ये जो जगत संसार है देर इज अनोन बाइंडिंग फोर्स ये जो जगत है दुनिया है ये तमाम जगत में वन काइंड ऑफ अनोन बाइंडिंग फोर्स दे है बट नो बडी कैन डिस्कवर माता जी का साथ लड़का का लड़का का साथ माता जी पिताजी भाई बंधु अपना सगे संबंधी अपना पत्नी अपना स्वामी सबका साथ एक अननोन बाइंडिंग फोर्स देर इज नो चेन बाइंडिंग बट स्टिल यू आर बाउंड टू गो टू योर कंट्री टू योर चाइल्ड नो बडी कैन स्टॉप यू ये एक अननोन बाइंडिंग है ये आंखों में देखा नहीं जाता यू कैनोट सी वाई आइस एक अननोन बाइंडिंग्स है ये अननोन बाइंडिंग्स से बाहर जाना है ये अनोन जो बाइंडिंग्स है ये आपको पकड़ के रखा है इज वन बॉन्डेज संसार में रहना जरूर है संसार में रहना तो है ही है कहाँ जाओगे संसार में रहो लेकिन ये जो अनोन बाइंडिंग्स है अज्ञान के द्वारा अज्ञान के द्वारा जो एक अज्ञान के द्वारा जो एक अनोन बाइंडिंग्स चारों ओर फैला हुआ है ये अज्ञान का जो बाइंडिंग्स है ये एकमात्र दिव्य ज्ञान के द्वारा जा सकता है वाट डू मीन मै नॉलेज नॉलेज मतलब ज्ञान मतलब ज्ञान मतलब है वस्तु ज्ञान ज्ञान मतलब आई लाइक टू नो इट इसका बारे में पूरा जानकारी हुआ वस्तु ज्ञान वस्तु ज्ञान होगा और वस्तु का यूटिलिटी क्या है तो ये सब पूरा ज्ञान तमाम प्रैक्टिकल ज्ञान होने का बाद हृदय का अंदर में जो अज्ञान अंधेरा है ये जा सकता है इसका पहले नहीं वेरी टफ इतना एनर्जी इतना अटेंशन इम्पॉसिबल हॉर्बुल गुरुसेवा इतना टफ है जे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल विलास तीत से माज कहते थे इफ यू आर एक्सप्रेसिंग योर यू नो डिजायर टू डू गुरुसेवा देन बी केयरफुल ऑल द टाइम यू वेरी अलर्ट बहुत अलर्ट होना चाहिए बहुत कठिन फिर भी दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं गुरुसेवा छोड़ के भगवत प्राप्ति का कोई रास्ता है नहीं एक ही रास्ता है गुरुसेवा गुरु वैष्णव गुरु भगवान का सेवा के द्वारा ही भगवत प्राप्ति संभव है बाकी संभव नहीं बहुत बार हमने श्लोक का चर्चा किया जगत का रोजोत्तम गुण अनर्थ कटाने के लिए एक ही रास्ता खुला है शुद्ध गुरु वैष्णव का सेवा और कोई रास्ता है अज्ञान तमेर तो नाम कोहिए तो। अज्ञान तमेर तो नाम कहिए को कोई तो। धर्म अर्थ तो काम मुख्य आदि यही सब और भी आगे आएगा अज्ञान तमो ये जो इग्नोरेंट है इग्नोरेंट ये जो इग्नोरेंस है आदमी जो इग्नोरेंट पीपल द इग्नोरेंस इसमें क्या होता है इसमें माया देवी के द्वारा प्रभावित होकर माया देवी के द्वारा प्रभावित होकर जीवात्मा का अंदर में बहुत किस्म का चाहत डिमांड अन्नाभिलाष पैदा होता है ये माया देवी का मैजिक स्पेल है विशुद्ध आत्मा जब अनकवर्ड हो जाए नाउ एट प्रेजेंट हम लोगों का आत्मा जो है अंडर सम कवरिंग ये आत्मा जब अनकवर्ड हो जाए पूरा ओपन विशुद्ध अवस्था में तब माया का साथ ये आत्मा का जरा सा भी कोई संबंध है नहीं कोई संबंध है नहीं। और कोई कामना वासना भी नहीं रहेगा इसलिए श्री भागवत में बताया और श्री चैतन्य जो तुम्हें तो तो बताया जीवे स्वरूप है कृष्ण नितो दास यही काम है अज्ञान तोमेर नाम कोई कोई टॉप कोई टॉप माने चीटिंग प्रोपेन्सिटी कोई टॉप की टॉप फॉल्स थिंग धर्मो अर्थो काम मुखो आदि जो बांछा है तरह तरह का डिमांड है कभी कोई आदमी धर्मों के लिए बहुत चेष्टा करता है लेकिन वो भगवत धर्मों का बारे में कोई जानकारी है नहीं धर्म मतलब जनरल धर्म समाज धर्मों लोग धर्मों धर्मों, वेद धर्मों वेदों में जो जेन इन जनरल जो कुछ लिखा हुआ है वेदोधर्मों लोक धर्मों समाज धर्मों ये तरह तरह का धर्मों का बारे में मिसकंसेप्शन है साधारण आदमी का मिसकंसेप्शन है इसीलिए गोकर्ण जी महाराज सुना है गोकर्ण जी महाराज का नाम गोकर्ण जी महाराज का नाम सुना होगा आपने गोकर्ण जी महाराज बड़ा महापुरुष गोमाता ने जन्म दिया ही टुक बर्ड फ्रॉम गो माता गोकर्ण जी इज इयर इज लाइक गो माता बट ऑल बॉडी लाइक व्यूमैन बी प्रैक्टिकल नो स्टोरी गोकर्ण जी महाराज टूक बर्ड इन केरला देर समरीवे प्योर गोकर्ण जी महाराज जी ने बड़ा बड़ा महापुरुष दिव्य ज्ञान है अपना पिताजी आत्मोदेव ने पूछा बेटा हमको बचाओ हम अज्ञान अंधेरा में डूब गया हमको बचाओ अब हम कहाँ जाए हमारा अंदर में इतना कष्ट है इतना कष्ट इतना दुख है जो बता नहीं सकता लड़का का पास हाथ जोड़ किया मेरे को बता लो जब ऐसा बताया तो गोकर्णो जी महाराज पिताजी को कुछ एडवाइस दिया पिताजी को कुछ सलाह दिया पिताजी ऐसे जिंदगी भर भोगते रहोगे जया सुता दीशु ममताम बिमुन हमारा लड़का है हमारा जाया है पत्नी है हमारा संसार है हमारा घरवार है ये सब जो चिंतन है ये फेंक दो जया सुता दीसु ममताम विमुंचो ये सब हटाओ दिल से और शिवस्व साधु पुरुषान ही काम तिष्णाम साधु पुरुषों का सेवा करो और काम का जो तृष्णा है काम का चाहोते उसको फेंको और धर्मम भजस्व सततम तेजो लोक धर्मान भागवत धर्मो जो आत्म धर्म है आत्मधर्म का अनुशीलन करो और जनरल धर्म से फेंको धर्मम भजस्व सततम तेजो लोक धर्मान लोक धर्मान जनरल धर्म लाइक गोपिका का बारे में हमने बताया भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। नौ पारे अहम निरबद्ध संयुजम विभुदायुषा पिवाभुदायुषा पिबो या माँ अवजनो दुर्जरो गेहो श्रृंखला संविश चतुव प्रतियातु तुषाधु गोपियों ने जो समाज का बाइंडिंग है समाज में बाइंडिंग है सम रूल्स एंड रेगुलेशन है यू कैनॉट ट्रांसग्रेस देन पुलिस कैन कम अरेस्ट यू ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन यू हैव नो राइट टू काट इट ब्रेक इट ये समाज का जो नियम नीति है संसार का अंदर में जो नियम नीति है ये देश का अंदर में जो नियम नीति है रूल्स एंड रेगुलेशन ये सब जनरल धर्मों का अंदर आता है वेद धर्मों लोक धर्मो मन धर्म मेंटल धर्म शरीर धर्म दिस बॉडी है सम धर्म शरीर का भी धर्म है सो so, आत्मो धर्मो अनुशीलन करो बाकी सब जनरल धर्म सब फेंको भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बोला था भगवान श्री कृष्ण अंतिम में द लास्ट एडवाइस ऑफ भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन यही बात है सर्वधर्मान परित्यज मामे कुसरण अहम तम सर्व पापीभ्यो वासु दुनिया भर का जितना सारे धर्म हैं साफ फेंको धर्मम एक काम करो सर्वधर्मान सो मैनी धर्म लौकिक वैगिक सब धर्म है ये सब बेकार है उसको फेंको और हमारा शरण में आओ अर्थात भागवत धर्म आत्म धर्म करो हमारा धर्म आओ हमारा पास आओ तो आपको सारे सुविधा हो जाए तो अज्ञान त्वेर तो नाम कोई कोई तब तो धर्म तो काम बांछा आदि यही सब कोई आदमी दान दक्षिणा करे दान दक्षिणा करने का बात सोचता है कि मैं इतना दान दक्षिणा देता हूँ इतना कुछ करता हूँ मैं स्वर्ग में जाएंगे स्वर्ग हेवन में जाएंगे वहाँ जाके आनंद लूटेंगे। तो अज्ञानता में न कोई कौता इस जगत में जितना से धर्म हैं और मतलब औरथो नॉट ओनली मीन मानी लिटरल मीनिंग ऑफ अर्थो मानी अर्थो मीन टाका टका मानी लेकिन अर्थों का बारे में विचार करके देखो अर्थों का एक्चुअल मीनिंग क्या है लिटरल मीनिंग है साधारण आदमी सोचेगा अर्थ मतलब मानी टका लेकिन अर्थों का मनी ऐसा नहीं आफ्टर स्पेंडिंग एनर्जी ऑल योर बिलोंगिंग्स व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न दैर इज कॉल अर्थ ये एक्चुअल मीनिंग है मानी बी गेट्स मानी इट्स ऑल्सो गुड दैट्स नॉट ए बिग ये भी अच्छा है ठीक है अच्छा मतलब दुनिया का हिसाब से चो अज्ञान तमेर तो नाम कोई ये कोई तो धर्मोर्थो तो काम बांछा आदि ये सब इसके बाद कृष्णदास कबीराज गोस्वामी जी ने श्रीमद भागवत जी महापुराण से एक श्लोक उठाया हम लोगों को समझाने के लिए बी केयरफुल हर वक्त अलर्ट हो जाओ हृदय का अंदर में कोई कामना वासना अनर्थ ना पैदा हो जाए इसमें कामना वासना अगर आए सारे अनर्थ फैल जाएगा सारे खत्म हो जाएगा कुछ नहीं इसमें रखा दो दिन कहें सो लॉन्ग एज यू आर लिविंग

कठिन है टू दिस इम्पीडिमेंट भी बहुत कठिन है धैर्त विषय पुंगसंग संगस्ते सुपजाते संाए काम कामात क्रोध अभ्याय क्रोधा भवति षणु षण स्थिति विभ्रम स्थितिभ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रनश Dhyato You are feeling attraction for something. Then your concentration there. Always. I need it. I need it. I need it. Dhyato Then you are getting the association of that particular object. Association. What you are thinking? Attachment. I need this. I need this. Dhyato vishyanapungsaam.

प्राप्ति करने में कोई किसी ने बाधा डाला किसी ने रोका तो क्रोध हो जाएगा सपोज यू लाइक टू गेट दिस ऑब्जेक्ट समबडी गोइंग टू स्टॉप इट आई कैन नॉट अलाउ इट देन एंग्री एंग ऑटोमेटिकली सो ऑफ नेचर ऑफ प्रकृति और नेचर गोइंग टू इन्फ्लुएंस ऑल नेचर गोइंग टू गिव इंस्पिरेशन नाउ यू बिकम एंग्री नाउ यू कैम कोल ऑल नेचर गिविंग सो धायतो विषय न पुंश संगोस्ते सुपजाते संात संज्ञात काम आ काम क्रोध उपजात क्रोधा बवती षणो इन क्रोधात क्रोधा सन्मो षण देन यू कैन लूज योर लिंक आई मीन यू कैन ब्रेक ऑल लिंकेज आई मीन रेशनलिटी ऑल यू कैन यू कैन ब्रेक और श्रिति श्रुति यू कैन ब्रेक संज्ञात संज्ञाते काम काम क्रोध अभी जाते क्रोधा भवती षण शुति विभ यू कैन ब्रेक योर लिंक विथ पास्ट एंड फ्यूचर वॉट टू डू और नॉट टू डू यू कैन डू लाइक ए क्रेजी मैन लाइक वन ईवील स्प्रिट एंटरिंग इंटू युअर बॉडी चैतन्य चैतन्य में बताया पिसाची पाईले मोतिन्न मायाबद्ध जीवे भक्त पिशाची पाईले जो था मोतिन्न है जब कोई घोष्ट हमारा शरीर में घुस जाए इविल स्प्रिड तो देन यू यू आर नॉट नॉर्मल मैन देन यू कैन एक्सप्रेस यू कैन ब्रेक दिस लाइट तो हर वक्त जब कोई पिशाच जब कोई घूस जब कोई इविल स्प्रिट आपका शरीर में घुस जाए ही कैन ओवर पावर यू ही कैन सप ही कैन ओवर पावर यूर नॉर्मल कॉन्शियसनेस एंड सम पिडोमिनेट फैक्टर ई इज़ नाउ कंट्रोलिंग यू ठीक ऐसा ही किसी विषय का चिंतन में किसी ने खो गया इसका जिंदगी में ऐसा ही होता है मुसीबतें आन पड़ता है दुनिया भर का समस्या आएगा मैटर 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 ऑल प्रॉब्लम इट कैन मेक यू क्रेजी टोटली इट कैन मेक यू बीस्ट यू कैन लूज एवरीथिंग सो मैटर मस्ट बी देयर बट यू शूड रिलेटिड विथ भगवान

कृष्णदास कोविदास गोस्वामी जी ने ये अज्ञान तो नाम कहिए को कोई तब धर्म और तो काम मुख्य आदि ये सब इसको खुलासा करने के लिए तो इसको क्लियर करने के लिए आवर अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए भागवत जी महापुराण से पहला स्कंद का पहला अध्याय का सेकेंड श्लोक भागवत जी महापुराण का जस्ट सेकंड श्लोक फर्स्ट श्लोक हमने बताया था काल यन्मा दस्तु यतु अन्वयाद इतर तस्वार से सभी गजा ए फर्स्ट श्लोक आर धर्मो प्रजितो कैत्यवत्त परम निर्म स्वराणाम सताम बेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम तपत्व उन्मूलनम ये दूसरा से दूसरा श्लोक है ये श्लोक के द्वारा भागवत जी महापुराण का या तो भागवत धर्मों का ये जो श्लोक है ये श्लोक के द्वारा बाय द हेल्प ऑफ दिस श्लोका कृष्णदास कुराज गोस्वामी वॉन्टेड टू तो क्लारीफाई और मिसकन्सेपन अबाउट भागवत धर्म और सिमद भागवतम इट्स भागवत धर्म एंड भागवत सेम नो no प्रॉब्लम हम लोगों को क्लियर करने के लिए मैन

ये समझाने के लिए कृष्णदास कोविराज गोस्वामी ने बड़ा भारी विचार बनाया और सोचा चलो ये भागवत जी महाप्राण का तो दूसरा श्लोक इसको हम व्यवहार करें दूसरा श्लोक यूज कर दिए इसलिए धर्म प्रो आई कैन डिस्कस इन मॉर्निंग टाइम हरिकथा नाइट देन यू कैन क्लियर अदरवाइज इफ आई गो ऑन स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट पीपल बिकम फेड अप एंग्री सो ये धर्म प्रजितो कत्तव परमो निर्माशरा नाम सतम मतलब है ये धर्मो प्रो उज्जित हो प्रजितो मतलब प्रो प्लस उज्जित प्रो प्रे प्रकृष्ट एब्सिल्यूटली प्योर प्रजितो कत्तव्य एनी काइंड ऑफ डिजायर कोई भी किसी किस्म का कोई चाहत की कामना वासना कुछ नहीं है पूरा क्लीन ये धर्मो कोई साधारण धर्म नहीं है एप्सलुट धर्म अनंत ब्रह्मांड में जितना जीव है अनंत ब्रह्मांड में जितना जीव है या प्राकृत और अप्राकृत जगत में सबकाई का धर्म एक ही है वह आत्म धर्म है ये धर्मो प्रोजुक्त उज्जित कोई तब तो तो परम निर्मा आर सर आरिये धर्मो निर्मत जिसका अंदर में कोई झेला से नहीं है निर्मल साधु है सब कोई का मंगल चाहता है जो साधु दुनिया का एक कीड़े मकोड़े कोई कीड़े कोई किसी का भी अमंगल नहीं चाहता जिस व्यक्ति कोई प्राणी का अमंगल बिल्कुल नहीं चाहता है एब्सलूट मंगल चाहता है इफ अगर हम आपको कोई उल्टा उपदेश दिया सपोज फॉर मानी आई एम स्पीकिंग यू रॉन्ग एडवाइस जस्ट टू सेटिस्फाई टू गेट टू मानी देन आई एम क्रुएल आई एम क्रूएल नंबर वन आई कैन गेट पनिशमेंट फ्रॉम भगवान किसी को मिसगाइड करना किसी को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना भगवत धर्मों के बारे में ऑल क्रुएलिटी सो इन दिस वे ऐसे मेरा पिता माता भाई बंधु दे आर ऑल क्रुएल दे डोंट अलाउ मी टू डू भागवत धर्म सो आई कैन नॉट स्पीक दम फादर और मादर बिकॉज दे डोंट अलाउ मी हमको भागवत धर्मों पालन करने के लिए रोक रहा है ए, मत करो सो so, ये जो भागवत धर्म है ये निर्मत्स जिसका अंदर में कोई जेलसी बोलकर कुछ चीज है ही नहीं ये ही भागवत धर्म कर सकता अगर ज्यादा सा भी कोई जेलसी है कुछ है तो ये भागवत धर्म पालन नहीं कर सकता कभी भी नहीं और ये श्रीमद भागवत जी महापुराण विद वेदव्यास जी श्रीमद वेद व्यास जी ये श्रीमद्भागवते महामुनि कृत्य महामुनि वेद वेदोव्यास जी ने ये भागवत जी महापुराण जैसा अमल पुराण अविमल पुराण हम लोगों के लिए प्रकाशित कर दिया और दूसरा कोई धर्म देखे क्या करे जब भागवत जी महापुराण इट्स प्रेजेंट तो दूसरा कुछ इसका तो जरूरी है दे भागवत जी महापुराण मतलब कृष्ण हिमसेल भागवत जी महापुराण मतलब कृष्ण स्वयं उपस्थित है भागवत जी महापुराण इज जस्ट इक्वल टू कृष्ण तो जब भगवान श्री कृष्ण है और भागवत जी महापुराण है तो दूसरा क्या करे दरकार कर नहीं शब्द आर जो दूसरा धर्म ग्रंथ तो इधर उधर पालन करके क्या करें जब भागवत जी महापुराण हैं जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है तो उसका बाद दूसरा व्हाट यूज़ दूसरा चीज़ का कोई जरूरी है ही नहीं और ये भागवत धर्मों ऐसा अनोखा धर्म है ऐसा एब्सलूट धर्म है कि भागवत धर्मों अगर শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব কানুগত্ব মকিতউট এনি ডুপ্লিসিটি আগর আম পালন কিয়তো ক্যা হত্য হৃদরুদ্ধতি অত্রতিবিশুভিশ মানে ই ভাগবত ধর্ম কো ভাগবত ধর্ম কো শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব কনুগত্বউট এনি ডুপ্লিসিটি জিনোনে আপনা জিন্দগি भागवत धर्म को पालन करने का यारा सा भी प्रयत्न किया यारा सा भी चेष्टा किया प्रयश्न किया और भागवत धर्म का अनुशीलन भागवत धर्म सुने भागवत धर्म कथा बोले ये चिंतन करते करते भगवान इमिडिएटली हृदय में बैठ जाता है इधर लिखा है शब्दों हृदय अवरुद्धत अत्रु कृतिवी सुखा जो व्यक्ति भागवत किताब भागवत ग्रंथों और महाभागवत वैष्णव दोनों का सेवा करे तो इमीडिएटली भगवान उसका हृदय में गेट कन्फाइंड हृदय में बैठ जाता समझा क्या बोला धर्म प्रज्जित कैतवो अत्रो परम निर्मसराणाम सताम वेद्याम वास्तव अत्र वस्तु से उन्मूलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किंग बापरेश्वर शब्द हृदय अवरुद्ध शब्द हृदय अवरुद्ध थे अत्रो किसी भी ये भगवत धर्म इतना अनोखा धर्म है इतना अबसुरु धर्म है जारा सा भी कोई पालन करे तो भगवान उनके हृदय में आके बैठ जाता है हृदय में अवरुद्ध हो जाता है अज्ञान तमेर तो नाम कहिए को कोई तब तो धर्म अर्थो तो काम मुख्य आदि सौ एक विशुद्ध साधु सो एक विशुद्ध साधु कभी भी जगत का धर्मों और काम मोक्ष ये सब लेके कोई इंटरेस्ट नहीं है सब कोई इंटरेस्ट नहीं और विशेष करके धर्म अर्थों तो काम मोक्षो चार है धर्म मतलब जनरल धर्म हो तो मतलब जो मिलने वाला हमारा एनर्जी देने के बाद जो हम एक्सपेक्टेशन है वो अर्थ तो है लिटरल मीनिंग है मानी चलो धर्म अर्थ धर्म अर्थ और काम दुनिया का जितना आदमी है सब जो कुछ भी कर रहा है सब इसका पीछे इसका पीछे रहस्य क्या है राजा है, काम हो गया धर्म अर्थ काम धर्म किस लिए और्थों के लिए अर्थ किस लिए काम एन्जॉयमेंट के लिए एन्जॉयमेंट किस लिए नरक में जाने के लिए सब इंटर रिलेटेड इंटर हम राय रामानंद में इसका व्याख्या किया सुंदर व्याख्या किया हो सके तो काल हम काल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे तो धर्मों किस लिए अगर कोई पूछे महाराज धर्म क्यों कर रहे हैं क्या कारण है वह धर्म कह रहे हैं औरथो औरथो चाहिए हमको इसलिए धर्म धर्म कैन सपोर्ट हेल्प मी टू तो गेट और धर्म अर्थ और, और उसका बाद क्या करोगे बोले काम एन्जॉयमेंट धर्म और तो काम और मोक्षो मिन दुनिया का जितना सारे एन्जॉयमेंट है जितना सारे कुछ है कोई आदमी ऐसा भी है ये दुनिया का बाहर जाना चाहता है कभी कभी कोई आदमी ऐसा भी हो सकता दुनिया में दुनिया में ऐसा भी आदमी है दुनिया में ऐसा भी आदमी है जो जगत का जो पेनफुल एक्सपीरियंस है इसका बाहर जाना चाहता है ऐसा भी है हर आदमी धर्म और तो काम ये तो मांगे इस बीच में कभी ऐसा भी कोई आदमी है जो चाहता है आई लाइक टू गेट फ्री ऑफ दिस क्रॉट शेयर बस दिस दिस दिसमैन दिस मोक्षो ये लोग मोक्षो प्राप्ति करने के लिए प्रयास लेकिन मोक्षो इज वेरी डेंजरस नून टाइम हरी कथा में हम चर्चा करें नैन होने मोक्ष मोक्षो इतना डेंजरस है ये डिबोटी They can better expect death. Better they can expect death, but still they don't moksha. Moksha is very dangerous. It is one kind of suicidal squat. You know suicidal squat. You know. I don't know. Suppose somebody like to kill one minister. He is taking one bomb, bomb inside, and we jump in the minister. It happened in India. One girl is taking one very small bomb, very dangerous bomb, and going to give one garland to the minister. And the inside garland, there is bomb. Bam! So minister gone. He see also gone. So many people there. It's called suicidal squad. Or some rope is there. You like to strangle yourself. Hang to death. सुड सो यह मोक्षो जो है सबसे बड़ा डेंजरस है मोक्षो सुनने से भी मोक्षो का मोक्षो बोल के जो वर्ड है ये मोक्षो दिस वर्ड ये सुनने से भक्तों जो है डिवोटी बिकम वेरी फेयरफुल दे नेवर एक्सपेक्ट भक्तों लोग जो है मक्षों का ऊपर बड़ा नफरत करता है बेटर दे कैन एक्सपेक्ट डेथ इन दून लाइफ स्टिल नो डेंजरस तो अज्ञान अमेर तो नाम कुई है कोई अब धर्म अर्थ तो काम मोक्ष आदि धर्म अर्थ तो काम बांछा आदि है सब तार मध्य मोक्ष बांछा को प्रधान एमंग ऑल चीटिंग प्रोपेन्सिटीज लाइक धर्म और तो काम नथिंग नथिंग नो रिलेशनशिप विथ आत्मा ये जो धर्मो और तो काम मोक्षो जो है धर्मो और तो काम मोक्षो दोज थिंग्स दिस थिंग्स है नो लिंक विथ आत्मा यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू एनीथिंग गुड फॉर योर आत्मा दैट इज व्हासी इसको कर्तव्य तो बोला गया समझा धर्म और so kind of like so, तो कम मुख्य दोस थिंग्स हेफ नथिंग टू डू उथ योर प्योर आत्मा सो इट इज वन कैंड ऑफ चिथिंग यू लैव टू चीट योर से सो धर्म और तो कम बांछा आदि ये सब तार मध्य मोक्ष बांछा कर्तव्य प्रधान एम ऑल दिस थिंग्स मोक्षवाछा मोक्षा इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉप मोस्ट डेंजरस तार मध्य मोक्षा कत्तव्य तो प्रधान जहां होते कृष्ण भक्ति हई अंत ध्यान यदि अगर यदि अगर यदि अगर आपका जिंदगी में आप मोक्षों का लिए दौड़ते हो तो यू कैन लूज ऑल एनी कैंड अपॉर्चुनिटी फॉर भक्ति भक्ति कभी नहीं मिलेगा तार मध्य मोक्षवांछा कत्तव्य प्रधान जहाँ होते कृष्ण भक्ति हय अंतर मोक्षो बाछा किसी का अंदर में है आई कैन क्लारिफाई दिस पॉइंट आफ्टरनून टाइमरिकल मोक्ष बांछा वाई सो डेंजरस क्यों किस लिए क्योंकि मुक्षोबाजा होने से भक्तों और भगवान का बीच में जो रिलेशनशिप है इट कैन दैट रिलेशनशिप कैन ड्रॉप कृष्ण भक्ति का बारे में कुछ नहीं रहेगा ऑल वैनिस तो ये जो धर्म प्रज्जित कैत प्रो प्रो दिस वर्ड धर्म प्रो उज्जितो कैत्त अत्र परम निर्मा सरानम सतम ये जो प्रो प्रो, प्रो बाय दिस वर्ड कृष्णदास कुबिराज कबिराज जी चैतन्य चैत्य तो हमें लिखा है दैट दिस प्रो दिस वर्ड प्रो 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 प्रोज्जित ये प्रो शब्दों के द्वारा कमेंटेटर श्रीधर स्वामी पाठ हर द नेमो सीधो समय पर इज द फर्स्ट कॉमेंट्रेटर ऑफ भागवत निव का आशीर्वाद लेकर जो निशिंग का आशीर्वाद लेकर जो लिखा है कॉमेंट्री लिखा है भागवत जी महापुराण का इन्होंने लिखा है प्रो ये शब्दों के द्वारा मोक्षोबांछा ओपी मोक्षोबांछा रोपी कैत्वम निरस्तम मतलब शिलो शिलो सीधा स्वामीपाद जी ने लिखा है धर्म प्रज्जित कैतवत्रो परमरमा सरानम सतम ये जो प्रो उज्जित धर्म ये प्रो शब्दों के द्वारा इवन मोक्षोबांज द कंसेप्शन इवन कंसेप्शन ऑफ ऑलरेडी इरेस्ट टोटली चोटली समझा मेरा बात तो सीधा समीपा जी ने लिखा है प्रो शब्देन मोक्षोभिधि निरस्तीकृतम और प्रो शब्देन निरस्तम इति। भगवत धर्म में मोक्षवांचा का कोई डिमेंड या तो कोई स्मेल तक डिमेंड तो दूर की बात है इवन कोई स्मेल तक नहीं रहना चाहिए मोक्ष इज टोटली एब्जर्ड कृष्ण भक्तिर कृष्ण भक्तिर बाधक जत तो सुबह जितना सारे रिचुअलिस्टिक कर्मों हैं जितना सारे जो कृष्ण भजन का रुकावट है ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी व्हाट एवर यू आर डूइंग विच इज वन काइंड ऑफ इम्पीडिमेंट्स इन द वे ऑफ कृष्ण भजन कृष्ण भक्ति का रास्ते में जो बाधाएं हैं इम्पीडिमेंट्स हैं कृष्ण भक्ति बाधक बाधो जो तो शुभ शुभ कर्म महाराज ये शुभ कर्म है वेरी रिचुअल नॉर्थ मोटा कर डोंट स्पीक एनी नेम दे शुभ कर्म इज गोइंग टू पुट यू इन बॉन्डेज शुभ कर्म नाम बोलो कृष्ण भक्ति रो शुभा शुभ कर्म कृष्ण भक्ति का खिलाफ है कृष्ण भक्ति का खिलाफ है जितना शुभा शुभ कर्म कृष्ण भक्ति का खिलाफ है से एक जीवेर अज्ञानतम जो रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज जो शुभाशुभ कर्मों मेरा कृष्ण भक्ति का एगेंस्ट है कृष्ण भक्ति का रुकावट है ये ऑल्सो ये भी जीवों का जिंदगी में कैन बी ट्रीटेड एज इग्नोरेंस इग्नोरेंस ये भी अज्ञान है कृष्ण भक्तिर बाधक कृष्ण भक्ति का रास्ते में जितना रुकावट है तरह तरह का जितना किस्म का शुभ अशुभ कर्म है भी जीवो ये भी जीवों का जिंदगी में वन काइंड ऑफ इग्नोरेंस इग्नोरेंस अज्ञान तमोधर्म ये वास्तविक धर्म नहीं है ये सोचता है कि हम शुभ कर्म करेंगे लेकिन ये शुभ कर्मो आपको बंधन में डालेगा दैट शुभ कर्मों नॉर्थ कीर्तन में लिखा है पुण्य से सुखेर धाम ना लोइो तार नाम पुण्य से सुखेर धाम ना तार धाम पुण्य ऑल्सो गोइंग टू पुट इन टू जेल पुण्य ऑल्सो पायस एक्टिविटीज ऑल्सो गोइंग टू पुट यू इन जेल इन ट्रैप सो कृष्ण भक्तिर बाधक जतो शुभा शुभ कृष्ण भक्ति का रास्ते में जितना सारे रुकावट है ये भी जीवों का जिंदगी में इग्नोरेंस है गौर नितानंदों का आशीर्वाद से कृपा से ताहार प्रसाद ही तमो है नाश तमोनाश कुरी करे तत्व प्रकाश जब गौर नित्यानंद का कृपा जब गौर नित्यानंद का कृपा किसी का ऊपर भरपूर कृपा हो जाए तो ये कभी धर्मों औरतों काम हम कुछ नहीं लेगा भगवान श्री कृष्णो शिव भागवत जी महापुराण में लिखा है देखो हम अगर भक्तों को बोले सालोक्यो सजिज्जो सारूपो सास्ती हैं दियोमानम ओपि न गृहती मत सेवनम जनाहा हमारा भक्तो इसको सालोक शालोक्यो सजिज्जो सारूपो सास्ती सब कोई भी कुछ भी हम देना चाहे तो भक्तो ले भक्तो लेगा नहीं भक्तो इनकार कर देगा सालोपो साजुज्य शास्त्री साजुजो षाष्ठी है दियोमानम ओपी फूल श्लोक जो है इसमें ए, इसमें लिखा है साजु शारूपो साजुज शालोक्यो शारूप्यो शास्त्री दियोमानम दियो ओपी न गृणंती वन वर्ड आई फॉर गेट मीट बी सर्वपिकम ओ पी दियोमानम नती मत सेवनम जाना भक्तों लोगों को अगर हम देना चाहे ले, लेना नहीं चाहते हमको चाहिए नहीं शाल को मतलब आई कैन गिव यू फैसिलिटी टू टूरिस्ट मैधाम आई नीड योर सेवा इट इज आल्सो गुड नॉट बैड ষষ্ঠী ভগবান কা মাফিক প্রপার্টি ঐশ্বর্য ষষ্ঠী সারুপ্যমিন কাপিক মে চার হাত দেখে সুন্দর এসা তে ভক্ত লোক চাহতানি ভক্ত লোক কেবল সেবা চাহতেন কৃষ্ণ ভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম সেহ এক জীবের অজ্ঞানতম ধর্ম ताहार प्रसाद ऐ तमो है नास तमोनाश करे तत्व तो प्रकाश भगवान जीवो का अंदर का जो अज्ञान अंधेरा है इसको हटाकर तत्व विज्ञान तत्व तौत्तो वस्तु का प्रकाश करके उसको बचा देता है रक्षा करता है तत्व वस्तु कौन है ज्ञान मतलब कृष्ण ज्ञान भगवत ज्ञान तत्व वस्तु कृष्ण आर कृष्ण भक्ति प्रेम रूप तत्व वस्तु क्या है न कृष्ण आर कृष्ण भक्ति व्हाट डू मीन बाय कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति तो तत्व वस्तु क्या है न कृष्ण भक्त कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम रूप नाम संकीर्तन सर्व आनंद सरु नाम संकीर्तन कलो परम उपाय से प्रभु कहे सुनो स्वरूप राय नाम संकीर्तन कलो परम उपाय ये जो तत्व वस्तु तत्व वस्तु में भगवान श्री कृष्ण का तत्व कृष्ण भक्ति का तत्व और भक्ति करने का बाद क्या मिलता है प्रेम रूप नाम संकीर्तन सर्व आनंद स्वरूप महाप्रभु जी ने पहला नंबर श्लोक में बताया पहला नंबर श्लोक में क्या बताया परम विजय कृष्ण संकीर्तन ये बताए काल चर्चा करेंगे तत्व वस्तु कृष्णो कृष्ण भक्ति प्रेम रूप नाम संकीर्तन सर्व आनंद स्वरूप सूर्य चंद्र सूर्य सूर्य भगवान और चंद्रमा जैसे बाहरी दुनिया का अज्ञान तमो विनाश करता है अंधेरा हटा देता है नाम संकीर्तन बड़ा आनंदमय सूर्य चंद्रो जैसे बाहरी दुनिया का पूरा अंधे अंधेरा हटा देता है और बहिर वस्तु घोट पोट आदि से प्रकाश जब रात का समय में अंधेरा में छाया हुआ है सब कुछ जब सूरज भगवान आसमान में उदित होगा तो इसके बाद जो जो वस्तु है सब दिखाई पड़ेगा जो वस्तु जहाँ है जो वस्तु जहाँ है सूरज उदय के बाद सारे क्लियर दिखाई पड़ेगा सारे वस्तु दिखाई पड़ेगा सूरज सूरज चंद्रो बाहिर से विनाशे बहिर वस्तु घटपट आदि से प्रकाश लेकिन गौर नित्यानंदो दुई भाई हृदय खाली अंधकार ये दोनों भैया ये दोनों भैया गौर और नित्यानंदो ब्रदर ये दोनों भाई हम सभी का हृदय का अज्ञान अंधकार नाश करके क्या करते हैं दुई भाई हृदय खाली अंधकार काली मैंने क्लियर अंधेरा हटाकर दुई भागवत संगे कोराय का हृदय का अंदर में जो अज्ञान अंधेरा है इसको हटा के ये गौर नितानंदो दो भागवत का साथ परिचय करा देता है दो भागवत का है एक ग्रंथ भागवत है एक भक्त भागवत है दोनों भागवत का साथ भेंट करा देता है यही दुई भाई हृदय खाली अंधकार दुई भागवत संगे को राय साक्षात्कार एक भागवत बड़ो भागवत शास्त्रो एक भागवत किताब ग्रंथो और एक भागवत भक्त है एक भागवत भाग, एक भागवत बड़ो भागवत शास्त्रो आर भागवत भक्तो भक्ति रस पात्र एक भागवत है किताब किताब भागवत और दूसरा क्या है बोले भक्त भागवत जिसका अंदर में भक्ति रस भक्त भागवत जिसका अंदर में भक्ति रस रहता है जिसका अंदर में भक्तिरस रहता ही वो भक्त है सो so, एग भागवत बरो भागवत शास्त्रो आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र ऐ दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस तार हृदय तार प्रेम हय बस इस, बा, इस बारे में हम काल चर्चा करेंगे इस विषय पर आज समय ज़्यादा नहीं है तो यहाँ विश्राम देना जरूरी है काल हम चर्चा करेंगे और आफ्टरनून सेशन में जो चीज हम चर्चा करना चाहें अज्ञान तम चर्चा करेंगे अमिया तेनाद भी सुनिचे नरुरोपी सहिष्णुना अमन मनोधिनो कीर्तनियो सदा हरि वा छोष के पास भेजो पतितानुं पावन भो नम